राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर, फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों का सब्जेक्ट बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। और आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हिंदी में कहना चाहें तो अपन साधारण भाषा में कह सकते हैं शरीर की रचना विज्ञान और शरीर की क्रिया विज्ञान, कैसे हमारी शरीर की रचना हुई है और उसके अंदर शरीर के अंदर जो रचना होने के बाद में जो हमारे अंग हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट वर्ड इज एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, पूरी शरीर की संरचना के बारे में जानकारी होना। और फिजियोलॉजी मतलब उसके अंदर बॉडी फंक्शन कैसे काम करेगी, एक जैसे एक कार है और कार के बाद में उसके पार्ट्स कार्बोरेटर्स हैं, कैसे काम करते हैं, ऐसे ही हमारे पास शरीर है और शरीर के बाद में सारे उसके अंग हैं, उनकी वर्किंग। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड क्या आपस में उनका रिलेशंस हैं, कौन कौन से जो है एनाटॉमी किससे बनती है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, सारे फंक्शंस अपने आज स्टडी करेंगे। और बॉडी का फंक्शंस कैसे होता है फिजियोलॉजी, ये अपन जानकारी करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बॉडी जो स्ट्रक्चर बनती कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, सबसे पहले अपने पास में एटम्स है और एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास में बहुत छोटे छोटे एटम्स है जो कि अपने पास में एक मॉलिक्यूल्स के रूप में इस तरह से बन जाएंगे। और जब बहुत सारे अपने पास में जो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे तो वो इकट्ठे होकर क्या बन करेंगे, एक सेल्स का निर्माण कर देंगे। और यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो टिश्यू बना देते हैं और इस तरह का एक टिश्यू बन जाता है। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पर एटम्स हुए, एटम्स ने क्या किया, यहाँ पर अपने पास मॉलिक्यूल्स केमिकल्स के रूप में अवेलेबल हुआ। उसने जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर और ये सेल्स है अपने पास, इन्होंने टिश्यू बना दिया। और टिश्यू क्या है, यहाँ पर टू और मोर टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बन जाता है। तो ये अपने पास में ऑर्गन जो है, वहाँ पर दो तीन जो है एक साथ टिश्यूज मिलकर ये ऑर्गन बन जाता है। और ऑर्गन के बाद में ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ग्रुप का जो ऑर्गन होता है, तो ये कंप्लीट जो है अपने पास में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कॉमनली फंक्शन नॉज ए सिस्टम कहलाता है, प्रणाली। क्या सिस्टम, क्या प्रणाली है, कैसे शरीर काम करता है, तो ये अपने पास में यहां से एटम से शुरुआत होती है और सिस्टम तक इस तरह से अपन एक एक पॉइंट को कवर करते हुए आते हैं। तो अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए कोई ना कोई डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स के लिए अपना हॉस्पिटल में जाते देखते हैं तो अलग अलग जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए, सांस तंत्र के लिए अलग अलग अपने बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। तो हर एक सिस्टम का एक डॉक्टर होगा, उसका स्पेशलिस्ट होगा। तो अपन देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ इसके अपने पास में बॉडी। सबसे पहले देखते हैं अपने पास, फर्स्ट वन इज ए इंटेगमेंट्री सिस्टम। यहाँ पर अपने पास में ये इंटेगमेंट्री सिस्टम जो अपने पास में है, ये ऊपरी झिल्ली है जो परत है, एक्सटर्नल कवर ऑफ द बॉडी स्किन, जहाँ पे एयर्स वगैरह होते हैं, ये प्रोटेक्ट द डीपर टिश्यू, उनके ऊपरी कवर्ड होता है टिश्यू फॉर इंजरी, जो कोई रोग है। तो ये सारा अपने पास में अपने यहाँ देख रहे हैं, तो ये सारे जो हेयर्स है, ऊपरी झिल्ली जो परत दिखाई दे रही है, ताकि सारे सारे अपने पास में डीपर टिश्यू को किसी प्रकार की चोट ना पहुँचे, इसके लिए अपने पास में। और यहीं से अपने पास में जो पसीना निकलता है, रेस्पिरेटरी सीट्स वगैरह है, ऑयल ग्लांड्स वगैरह हैं सब है, तो ये सारा सारा अपने पास सिस्टम्स है, तो इसके लिए कोई ना कोई डॉक्टर भी होगा। नेक्स्ट अपने पास में स्कल्टन सिस्टम, शरीर का कंकाल ढांचा, जिसके अंदर बोन, ये स्कल्टन दिखाई दे रहा है अपने पास पूरा, एक एक इस स्कल्टन के ऊपर कवर किया होता है इस सिस्टम को। तो ये स्कल्टन अपने पास में, जिसमें बोन्स होती है, बोन्स को प्रोटेक्ट फ्रॉम द बॉडी, सपोर्ट ऑर्गन्स है, ये बॉडी को सपोर्ट करता है एक सीधे खड़े रहने में और सारे सहायक होता है, सारे फंक्शंस में काम आता है। तो इस तरह से अपने पास स्कल्टन सिस्टम है। और यहाँ पर सारे सिस्टम के बाद में करते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर्स अपने पास में मसल्स, जो मस्कुलर सिस्टम्स है, तो यहाँ मसल्स के बारे में, मसल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट, एक मूवमेंट को इस तरह से मूवमेंट जो है ये अपन ये दिखाई दे रहे हैं अपने पास में, ये मसल्स है, ये सारे ये पूरी बॉडी को क्या करता है, प्रोड्यूस द मूवमेंट के लिए काम में आता है, ये सारे सारे ये सारी मसल्स अपने पास में, इसकी सहायता से बॉडी इजिली मारा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में नर्व सिस्टम। ये नर्व सिस्टम अपने पास में है, तंत्रिका तंत्र कैसे पूरे सिस्टम्स में सिग्नल्स को यहाँ से ब्रेन तक पहुँचाने के लिए, सारे शरीर में कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, सेंसिटरी, रेस्पिरेटरी, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बहुत सारे नर्व्स अपने पास में दिखाई दे रही है।
ये सब नर्व की सहायता से सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से इसको सारा कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे पास ये नर्व सिस्टम है। अगेन एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज ए हार्मोन सिक्रेशन टू रेगुलेट द बॉडी प्रोसेस। हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो सिक्रेट करते हैं, बॉडी को किसी को पचाने के काम में आते हैं, किसी को ग्लूकोज वगैरह के लिए बॉडी के अंदर इसको अपन भोजन करते हैं, उसके बाद में हर एक से एंडोक्राइन के अंदर इसके अंदर अपने पास डायबिटीज़ वगैरह, थायराइड ग्लैंड सब में से हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करते हैं और पूरे बॉडी को सर्कुलेट करते हैं। तो हमारे पास में ये अंत स्त्रावी प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड है और जहाँ पूरे बॉडी को ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा के साथ में सारे ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर देती है, दैट इज ए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देन लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम, ये रोग प्रतिरोग क्षमता, ये प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम अटैक फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस एंटरिंग द बॉडी सिस्टम। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत होगी तो क्या होगा, बाहर से कोई भी किसी तरह का वायरस होगा तो हमारे बॉडी पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए अपना इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत बनाना चाहिए, खूब ऑक्सीजन लेनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, बहुत रिच फूड लेना चाहिए। ये सारी की सारी बातें हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा। आंवला तुलसी वगैरह सब अपने इस तरह से इम्यून सिस्टम के लिए बताया गया है। तो ये जब रिच फूड हमारे जाएगा तो सारा बॉडी जो है अच्छी तरह से इम्यून सिस्टम होगी और हम बीमार नहीं होंगे, तो उसके लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम है। नेक्स्ट अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सांसों से लिए अपने इसके अलग से टॉपिक इसके बारे में डाल चुके हैं। सप्लाइड ब्लड फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन। मेन फंक्शन रेस्पिरेटरी के कि अपने पास में सांस को लेना है, लंग्स तक पहुंचाना है, वहाँ प्योरीफाई ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एंड वापस ऑक्सीजन को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये सारा सिस्टम हमारा परफेक्ट होगा। तो हम गहरी लंबी सांस लेंगे तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन आएगी और सारे बॉडी के ऑर्गन्स को जब रिच ऑक्सीजन मिलेगी तो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास होता है डाइजेस्ट सिस्टम, ये हमारा भोजन तंत्र जो है, पाचन तंत्र है डाइजेस्ट सिस्टम। यहाँ पर लीवर है, ये पेनक्रियास है और ये बड़ी आते हैं, छोटी आते हैं, ये भोजन को पचाने के लिए ये क्या करता है, सबसे पहले ब्रेक डाउन द फूड एब्जॉर्ब जो भी है उनके छोटे छोटे टुकड़े अपने चबा के खाया है उसके छोटे टुकड़े, एंड इनडाइजेस्ट फूड विल बी रिमूव फ्रॉम द फेस और उसमें से जो अपच खाना है उसको रिमूव कर देता है। ये डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, ये अदरवाइज गैसेस वगैरह फॉर्म होती है, तो ये भी सिस्टम है और इसके लिए फिर अपने पास में से रिलेटेड डॉक्टर्स भी होते हैं। एक एक प्रणाली है शरीर को चलाने के लिए, एक एक चीज़ है। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम, ये हमारे पास में रेगुलेशन ऑफ द वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, ये पूरे शरीर में क्षार तत्व, लवण तत्व, वाटर इनका बैलेंस भी बनाता है और फिर इसके बाद में वेस्ट पार्टिकल को यूरिनरी के माध्यम से। नेक्स्ट अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोडक्शन ऑफ बेबीज, तो बच्चे जो है अपने पास में जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, तो ये सारा सिस्टम है जो अपनी नई जनरेशन जो आती है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके माध्यम से सिस्टम को समझा सकता है। तो ये ह्यूमन बॉडी में 11 इंपॉर्टेंट सिस्टम है, नर्व सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटोरी सिस्टम, मसल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम्स एंड इम्यून सिस्टम, इंटिगमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केल्टन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये टोटल सिस्टम्स के बारे में एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है कि बॉडी ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है और कंप्लीट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डायग्राम्स बन सकते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो हमें बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे। थैंक यू।